यमुनानगर के थाना बुढ़िया क्षेत्र के एक स्कूल के बाहर 10वीं कक्षा के छात्रों पर हमला कर गंभीर रूप से घायल किए जाने के मामले में 2 दिन बाद भी आरोपियों के गिरफ्तारी न होने पर परिजनों एवं ग्रामीणों ने आज बुढ़िया इलाके में जाम लगा दिया। भारी संख्या में परिजनों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 1 घंटे बाद DSP राजीव मौके पर पहुंचे और उन्होंने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। देखिए, इसमें 26 तारीख की घटना है, एक मारपीट का इंसिडेंट सामने आया है, उसमें FIR नंबर 276/22 थाना बुढ़िया में दर्ज है। इसमें आज परिवार वाले मिले हैं, परिवार वालों के 2-3 इसमें जो तफ्तीश से संबंधित इश्यूज थे, जैसे एक तो मेडिकल ओपिनियन और एक इसमें जो आरोपी हैं वो फरार हैं। इस संबंध में मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो ये FIR इसमें और उसी दिन रजिस्टर हो गई थी, तब से लगातार थाना बुढ़िया की एक टीम है और CIA 2 को स्पेशली हमने इस काम के लिए डेडिकेट किया था कि वो भी लगातार रेड कर रही है इसमें, और NT जो हमारा PO बर्गलरी स्टाफ है उसकी टीमें भी इसमें काम कर रही हैं। लगातार रेड चल रही है और उसमें जो गाड़ी इस घटना में प्रयोग की गई थी वो गाड़ी पुलिस ने रिकवर कर ली है, और जो इसके जो आरोपी फरार हैं उनके परिजनों से भी पूछताछ चल रही है। इसके अलावा जो टीमें हैं वो लगातार रेड कर रही हैं और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं इनको पकड़ के हिरासत में लिया जाएगा और न्याय संगत कार्रवाई जो बढ़ती है इस मुकदमे में। ऐसा क्या था कि आज परिजनों को थाने का घेराव करना पड़ा, रोड जाम करना पड़ा, कहाँ लापरवाही है जो परिजन सड़कों पे हैं? नहीं देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि परिजनों के कुछ एक इशू इसमें तफ्तीश से संबंधित और गिरफ्तारी संबंधित थे। यदि किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है तो जाहिर सी बात है कि वो पुलिस से बचने के लिए भागता ही भागता है, और उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास करती है और वो प्रयास लगातार चल रहे हैं। जो कम्युनिकेशन गैप था प्लस जो अभी तक की प्रोग्रेस थी वो परिजनों को बता दी गई है, और जो इनके इश्यूज थे उनको भी सुन के जो इसमें वाजिब कार्रवाई है वो उसका आश्वासन दिया गया है, और आश्वासन के साथ ये मैं आपको दोबारा कहना चाहूँगा कि जो भी इसमें न्याय संगत कार्रवाई बनेगी उचित से उचित और जल्द से जल्द ये कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। अगर कुछ ऐसा है तो मैंने परिवार वालों से भी कहा है कि एक लिखित में कोई एप्लीकेशन देंगे तो मैं उस पर भी संज्ञान लेके खुद एक इंक्वायरी इसमें की जाएगी, बट बाकी अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है वो मैं बता चुका हूँ। मेन इसमें जो आरोपी हैं वो फरार चल रहे हैं, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, पुलिस इसमें पूरी तरह प्रयास करती है। स्कूल मैनेजमेंट का विषय है इसमें? हाँ जी, स्कूल मैनेजमेंट का विषय है इसमें? नहीं, अभी तक तो इसमें 2 आरोपी का इन्होंने नाम दिया था, और अभी जैसे मैंने परिजनों से बात करी है 2 आदमियों के ऊपर और ये शक कर रहे हैं, बाकी जो इसमें जो भी लोग हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, और जो भी लोग इसमें एक तो इसमें एक वीडियो एविडेंस भी है जो कहीं ना कहीं इस चीज़ के एक एविडेंशरी वैल्यूज की बहुत ज़्यादा हैं, उसके हिसाब से जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको चिन्हित करके जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। धाराओं पर भी सवाल उठाया जा रहा है। देखिए देखिए, जब इस तरह का कोई मुकदमा दर्ज होता है ये अनुसंधान की प्रक्रिया है, अनुसंधान की प्रक्रिया में जिस जो आपकी स्टेटमेंट होती है उस पर कार्रवाई होती है, प्लस उसके बाद मेडिकल ओपिनियन होता है। इसमें जो लड़का इंजर्ड है उसकी स्टेटमेंट भी अभी बाकी है, उसकी स्टेटमेंट प्लस जो उसके एक्सरे है प्लस फर्दर मेडिकल ओपिनियन है उसकी प्रोसेस भी चल रही है, और उसमें ये जिस तरह मुकदमे में जो डेवलपमेंट होती है उस हिसाब से सेक्शंस इजाद होती हैं या डिलीट होती हैं, तो वो एक इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, वो परिजनों को बता दिए और उनकी संतुष्टि भी है। सर, देखिए ये तफ्तीश का विषय है, जब आरोपी एक तो जो मेन इसमें विक्टिम है उसकी स्टेटमेंट अभी ली जा रही है, बिकॉज वो पहले उसका ट्रीटमेंट सबसे अहम पार्ट होता है, ट्रीटमेंट इंजर्ड का विक्टिम का उसकी ट्रीटमेंट हुआ है प्लस उसकी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हो जा रही है, उसमें जो ये रीज़न है एनिमिटी का वो भी क्लियर होगा, प्लस जो आरोपी गिरफ्तार होंगे उनसे गहनता से पूछताछ होगी, तो इस चीज़ में दोबारा इस चीज़ को क्लियर कर दिया जाएगा। उद्देश्य क्या था? क्या मैं वो चीज़ बता चुका हूँ जी, वी आर एट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन स्टेज, इसमें जो विक्टिम की स्टेटमेंट प्लस जो आरोपियों से गहनता से पूछताछ होने के बाद हम इसको डिटेल्ड कवर अप आपको दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता देंगे। सर सर, इतना समय बीत गया है, क्या पुलिस अभी तक पूछ नहीं पाई या लड़का बताना नहीं चाहता कि आखिर क्या हुआ? ये देखिए, ये सवाल मैं तो ऐसा मानता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से बेबुनियाद है, ये दीज आर इन्वेस्टिगेशन के जो इशू होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही है, जो कार्रवाई है कार्रवाई चल रही है, और अगर इसके जो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कोई और डेवलपमेंट होगी इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको दोबारा ब्रीफ कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको कम से कम पुलिस को समय देना चाहिए, भाई ये मानता हूँ। यस प्लीज, क्या क्या आश्वासन देकर जाम करवाएंगे? देखिए, परिजनों के मैं बता चुका हूँ जो इशू थे रिगार्डिंग अरेस्ट, मेन इशू तो इसमें कार्रवाई का ही होता है जी, अरेस्ट जो है उसके लिए जो प्रयास थे
वो परिजनों को मतलब जो प्रयास हमने किए उसके बारे में कम्युनिकेशन नहीं था, जबकि इसमें लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है, मैं भी कर रहा हूँ, सीनियर ऑफिसर्स माननीय एसपी साहब भी कर रहे हैं, प्लस इसमें सीआईए की टीम में इन्वॉल्वमेंट हमने कल ही कर दी थी, कल सुबह से ही वो एक्टिव हैं, और इस जिस तरह की सेंसिटिविटी है वो हम इनको सेंसिटाइज जैसे इनको बता दिया है तो दे आर ऑल्सो सेटिस्फाइड कि यदि हम अपना बेस्ट टीम इसमें काम कर रही है तो वी आर मतलब सेंसिटाइज्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर केस, और जल्द से जल्द इसमें रिजल्ट भी आपको दे दिए जाएंगे।